हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द मार्केट वर्स। अगर आप लोग भी ये सोचकर परेशान हैं कि इस तरह के मार्केट में हमें कौन से स्टॉक में वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेडिंगटन इंडिया के बारे में, जो कि अभी अभी हमारे रडार पर आया है और एक पोटेंशियल स्टॉक हो सकता है मल्टी बैगर रिटर्न के लिए। साथ ही साथ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर क्यों हम बात कर रहे हैं कि रेडिंगटन इंडिया हमारे लिए मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेडिंगटन कंपनी के बारे में कि आखिर कंपनी काम क्या करती है, इसके प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं और कंपनी का क्लाइंट बेस क्या है। उसके बाद हम लोग इस कंपनी के फंडामेंटल्स को भी देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि कंपनी अभी अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। और सबसे लास्ट में हम लोग इस कंपनी का चार्ट एनालिसिस भी करेंगे, जिससे कि हम एक कंक्लूजन निकाल पाएं कि अभी कंपनी में इन्वेस्ट करना सही रहेगा या फिर हमें कुछ और दिनों का वेट कर लेना चाहिए। रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड कंपनी इस्टेब्लिश्ड हुई थी 1993 में। कंपनी का खुद का डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई चेन का नेटवर्क है। कंपनी 235 इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ काम कर रही है और साथ ही साथ 37 इमर्जिंग मार्केट्स में भी काम कर रही है। बात करें कंपनी के प्रोडक्ट्स का, तो कंपनी पीसी, नोटबुक्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, नेटवर्किंग सॉल्यूशंस, सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, स्मार्टफोन्स और क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अगर कंपनी का जियोग्राफिकल प्रेजेंस देखें तो रेडिंगटन इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया के बाहर टर्की में, यूएई में, सिंगापुर में, सऊदी अरेबिया में, नाइजीरिया, कतार जैसे ग्लोबल मार्केट्स में काम कर रही है। बात करें कंपनी के ब्रांड पार्टनर्स का, तो बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि एप्पल, नोकिया, अमेजन, हिटाची, आसूस, माइक्रोसॉफ्ट, हुवई, एम कैफी, कैनन, एसर, सैंडिस्क एक्सेट्रा। अगर बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स का, तो हम लोग देख सकते हैं कंपनी का पीई वैल्यू यानी कि प्राइस अर्निंग रेशियो है 14.29 का, जबकि सेक्टर पीई है लगभग 30 का, यानी कि कंपनी साफ तौर पर अभी अंडर वैल्यूड है और हम लोग इसमें अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग देख सकते हैं कि कंपनी का जो करंट प्राइस है वो इसके इंट्रिंसिक वैल्यू से भी बहुत ही ज़्यादा कम चल रहा है। अभी बात करें इसके एफडी रेट्स और आरओई का, तो कंपनी जो है वो हमेशा से एफडी रेट्स के मुकाबले बेहतर रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दे रही है अपने इन्वेस्टर्स को। कंपनी बहुत ही अच्छा डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है, अराउंड 4% के ऊपर का। और बात करें एंट्री पॉइंट का, तो अभी बहुत ही अच्छा टाइम है कंसीडर करने का, क्योंकि कंपनी जो है वो ओवरबॉट जोन में नहीं है। साथ ही साथ कंपनी किसी भी एएसएम या फिर जीएसएम लिस्ट में नहीं है, इसका मतलब कंपनी के ऊपर कोई भी रेड फ्लैग्स फिलहाल नहीं है। बात करें कंपनी के इनकम स्टेटमेंट का, तो हम लोग देख सकते हैं नेट इनकम हर साल बढ़ते ही गया है। 2018 में 481 करोड़ के आसपास ही था, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2021 में ये लगभग 756 करोड़ के आसपास पहुँच गया है। इसके कारण इसका EPS भी लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहा है हम लोगों को। 2018 में 6 के अराउंड था, जबकि 2021 में लगभग 10 के आसपास पहुंच गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही साथ हम लोग यह भी देख सकते हैं कि पिछले 5 साल में मार्केट शेयर कंपनी का इंक्रीज हुआ है, 82% से लगभग 90% का मार्केट शेयर अब इसी कंपनी के हाथ में है। अब बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो हम लोग देख सकते हैं म्यूचुअल फंड ने भी इस कंपनी में बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट दिखाया है। लगभग 11.36% का स्टेक म्यूचुअल फंड के पास है। साथ ही साथ यह भी देखने में आ रहा है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास लगभग 40% का स्टेक है कंपनी के अंदर। ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि पिछले 10 महीना से फॉरेन इंस्टीट्यूशंस लगातार इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। लगभग अभी तक 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का फंड वो लोग निकाल चुके हैं। ऐसे में इस कंपनी में इनका होल्डिंग कांस्टेंट रहना यह बहुत ही बड़ी बात है। साथ ही साथ कंपनी पूरी तरह से डेब्ट फ्री है। ये एक और रीज़न है इस कंपनी को कंसीडर करने के लिए कि अभी हम लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम लोग इस कंपनी का चार्ट एनालिसिस करेंगे और यह समझने का कोशिश करेंगे कि चार्ट्स हम लोगों को कौन सा कहानी सुनाना चाहती हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि कंपनी के स्टॉक प्राइसेस पिछले 1 साल से इसी रिक्टेंगल के बीच में खुद को एकोमुलेट कर रही हैं। इसका मतलब है कि इसमें आइदर साइड मोमेंटम जल्दी ही देखने को मिल सकता है। और अगर ध्यान से देखें तो जब कभी भी कंपनी के स्टॉक की प्राइसेस 145 से 140 के रेंज में आती है, तो इसके वॉल्यूम चार्ट में एक शानदार स्पाइक हम लोगों को देखने मिलता है बाइंग साइड में। कोई ना कोई बड़ा म्यूचुअल फंड या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशन इस स्टॉक में वैल्यू बाइंग कर रहा है। जब कभी भी स्टॉक अपने निचले लेवल पर आती है, तो कोई ना कोई यहाँ पर वैल्यू बाइंग कर रहा है इस स्टॉक के अंदर।
साथ ही में हम लोग यह भी देख सकते हैं कि कंपनी में जो रिसेंट फॉल आया है मार्केट कंडीशंस के कारण, तो हम लोगों को एक भी बड़ा रेड स्पाइक नहीं देखने को मिला है वॉल्यूम चार्ट के अंदर। तो हम लोग समझ सकते हैं कि कंपनी की जो स्टॉक प्राइसेस गिरी हैं वो वॉल्यूम बेस्ड नहीं है। तो जब कभी भी इसमें हल्का सा भी बाइंग आता है तो हम लोगों को एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है इस कंपनी के अंदर। और इसके साथ ही आज हम लोगों को देखने को मिला कि स्टॉक जो है वो रिवर्सल ले चुका है, आज एक ग्रीन कैंडल इसके अंदर बन चुका है, तो हम लोग इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। लेकिन साथियों मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है और अभी हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि निफ्टी कहाँ पर जाएगा। अगर निफ्टी गिरेगा तो अल्टीमेटली वो इस स्टॉक को भी ड्रैग करेगा ही, और इसलिए हम लोगों को एक स्ट्रिक्ट SL रखना होगा इस कंपनी के अंदर भी, तो जो कि हम लोग रख सकते हैं 130 के अराउंड। अगर स्टॉक अपना 130 का भी लेवल ब्रेक कर देता है तो फिर हम लोग इसमें स्टॉप लॉस ले लेंगे और इस कंपनी से हट जाएंगे। जब दोबारा इसमें रिवर्सल का साइन दिखेगा उस समय हम लोग फिर से एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के मार्केट में सबसे इम्पॉर्टेंट है अपना कैपिटल को सेव करके रखना। बात करें टारगेट का तो हमारा सबसे पहला टारगेट है 156 का और दूसरा टारगेट है अराउंड 175 का। और अगर ये स्टॉक इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट दे देती है यानी कि 180 के लेवल्स को क्रॉस करती है तो बहुत ही जल्दी हम लोगों को मल्टी बैगर रिटर्न्स मिल सकता है इस स्टॉक के अंदर। साथियों एक सजेशन यह है कि अगर इसका पहला टारगेट यानी कि 156 का हम लोगों को अचीव हो जाता है तो हम लोग अपना स्टॉप लॉस को 130 से ट्रेल करके 140 पर रख देंगे, और जैसे जैसे हम लोगों को टारगेट मिलता जाएगा हम लोग इसमें अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है और किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। तो साथियों बात करें इस वीडियो का कंक्लूजन का तो रेडिंगटन इंडिया अभी के मार्केट में बहुत ही अच्छा बाइंग साबित हो सकता है। जो लोग भी वैल्यू इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, अभी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन चल रहा है कि इस मार्केट फॉल में हम लोग कौन से स्टॉक्स को बाई करें, तो वो लोग रेडिंगटन इंडिया को अपने रडार पर रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों फिक्स्ड SL रखिएगा 130 पर। अगर ये स्टॉक 130 का भी लेवल तोड़ देता है तो तुरंत इसमें SL ले लीजिएगा। हम लोग इसमें बाद में भी बाइंग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कैपिटल सेविंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस तरह के मार्केट में। इसी के साथ हम लोग आज की अपनी इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही बेहतरीन वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द मार्केट वर्स को। धन्यवाद।